आज की पाठशाला का टॉपिक है डिस्काउंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं, वहां पे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, और वहां पे जब डिस्काउंट आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इसकी एंट्री कैसी बनाई जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। देखिये, जब हम किसी को गुड सेल करते हैं क्रेडिट पे, उससे पैसा लेना होता है, इन फ्यूचर लेंगे या फिर तुरंत पैसा लेना होता है। जैसे हमने 10,000 का गुड्स मिस्टर एक्स को सेल किया। अब मिस्टर एक्स को भाई 10,000 रुपीज मुझे देना है, मतलब वो मुझे देंगे 10,000 रुपीज। इनको हम कुछ रियायत देते हैं, मतलब कुछ छूट दे देते हैं। कहे भैया तुम 10,000 के बजाय हमें 100 रुपए कम देना, तो ये 100 रुपीज जो होगा वो होगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं डिस्काउंट कितने तरह का होता है। देखिए, डिस्काउंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। देखिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, नीचे डेफिनेशन में दी गई है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को देता है फिक्स्ड परसेंटेज लिस्ट प्राइस पे। और जो कैश डिस्काउंट होता है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट आर अर्लियर पेमेंट। मतलब ये हुआ इसका कि जब हम किसी को गुड सेल करते हैं या किसी से पैसा लेना होता है, तो वहां पे कस्टमर को कहते हैं कि आप कैश पेमेंट तुरंत दीजिए, तुरंत हमसे डिस्काउंट लीजिए। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम इसको। जो डिस्काउंट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है, इसकी एंट्री नहीं बनाई जाती है, एंट्री जनरल एंट्री की तरह ही बनेगी, केवल अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट का जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ये हम लोग आगे जनरल एंट्री में देखेंगे। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो दो तरह का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड, दूसरा डिस्काउंट रिसीव। जब हम किसी को छूट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में जब हम छूट किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए एक तरह से लॉस है, एक्सपेंस है, जो कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होगा। और जब डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने का मतलब जैसे किसी को हमें पेमेंट देना है 10,000, हम उसको केवल 10,000 देना है, 10,000 के बदले हम उसको दे रहे हैं 9,900, यानी 100 रुपीज का हमें फायदा हुआ, वो डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।